युगों से बस अग्रसर रहा नारु का खड्गम, पीढ़ियों से दर पीढ़ियों तलक विद्यमान खड्गम। हरी को भी अवतरित करे है वही तो भक्ति खड्गम, नर में नारायण दिखे वो मुक्ति मार्गम है ये खड्गम। बेसहारों के लिए एक आसरा है खड्गम, हर अहंकारी को एक दिन तोड़ता है खड्गम। पापियों को अधर्मियों को बन के भक्षक मारता है यही तो मर्म इसका। ना ढले वो सूर्य खड्गम, दीन बंधु सुखी जनों को हर किसी को एक समझे, जात पात कभी न माने। विश्व का है धर्म खड्गम। चित को चेतना दे वो केसरी रंग है खड्गम, तिमिर रात्रि को कांटे जो वो उज्जवल दीप है खड्गम। जो धरा के हर गर्भ से निकले बीज वही है खड्गम। अजहर खान, मुंबई से यहाँ की पाक जमीन पर आकर तुमने जिहाद की तालीम हासिल की है और हिंदुस्तान में अल्लाह की सल्तनत खड़ी करने की कसम खाई है। तुम इस्लाम के सच्चे बंदे साबित हुए हो। तुम्हें जिहाद के रास्ते में पहला काम दिया जा रहा है। मसूद भाई को हिंदुस्तान के काफिरों ने कैद कर लिया है। इस्लाम का ये जांबाज सिपाही पूरी दुनिया में अल्लाह का नूर बढ़ाने वाला जिहादी है। उन्हें काफिरों की कैद से रिहा करवाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। लखनऊ जाओ, वहां इस्लाम के हमारे बंदों से मिलो और इस पाक काम को अंजाम दो। ये हुक्म खुदा का है। काफिरों के खिलाफ इस लड़ाई में अल्लाह तुम्हारे साथ है, वही तुम्हारी हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह।
अबे उतर चल कर नीले उतर चल चल पीछे बात सुनिए अजय भाई देख लेंगे प्लीज अजय प्लीज पीछे हटो कहाँ ना पीछे हटो हटो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सलूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर मुसल्ला पर हमला करना ख्वातीन बच्चों और ज़ईफों को मारना गुनाह है जुर्म है क्या हमारे कुरान में हदीस में कहा नहीं गया जानते नहीं क्या ए, इन हिंदुओं ने गुजरात में हम लोगों को बकरे के मानंद काटा है हम इनको काटेंगे ए, चुप चुप किसने मारा बे किसने किसको मारा हा? इन्होंने उधर गुजरात में अरे पागल हो गए हो तुम लोग अहमदाबाद के दंगे के लिए वो गोधरा की आग के लिए हम बाबरी मस्जिद से हम अयोध्या मंदिर से वो ऐसे इंतकाम लेकिन तो कोई नहीं बचेगा मुल्क कब्रिस्तान हो जाएगा अरे इंसान ही नहीं रहेंगे तो कब्र मजहब से थोड़ी ना चलेगा अरे सोच रे जरा सोच ए मुसलमान हो कि तू इस तरह की बात करता है मैं तो ये पूछ रहा हूँ क्यों काटना इन लोगों को हाँ क्या बिगाड़ा इन लोगों ने तुम्हारा क्या तेरे भाई को मारा है हाँ क्या तेरी बहन को मारा है या फिर तेरी अम्मी को मारा है आखिर इनका गुनाह क्या है बेचारे अरे कहाँ से आ रहे हैं नाम क्या है पता क्या है कुछ भी नहीं मालूम तो फिर इनसे दुश्मनी कैसी है हमारे तरह मुसलमान होकर ऐसी मुसलमान मुसलमान तू मुसलमान है क्या परसों एक कैद से छूट कर आया है बीवी का कत्ल कर दिया था और खुद को मुसलमान कह रहा है अरे तेरे जैसे लोगों की वजह से हमारा इस्लाम शर्मिंदा होकर सर झुका लेगा तुम लोग भी इसके मुगालते में आ गए अरे तू निकल दफा हो जा अरे निकल कहा ना सुनो अमजद बाद में पछताओगे अल्लाह की कसम उसी अल्लाह के लिए कुरान की कसम सच्चा मुसलमान बोल रहा हूँ एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जान से मार डालूंगा अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अरे हाँ चलो भाई सबको मार देंगे चलो चलो कसम से चीर के रख देंगे वही तो मैं कह रहा हूँ ये जायज नहीं है भाई अल्लाह को भी ये पसंद नहीं इसलिए नमाज को बुलाया नहीं तो यहाँ पर कत्लगाह बन जाता अरे इस मुल्क को छोड़कर कहाँ जाएंगे हाँ ये सब पागलपन छोड़ दो चल आसिफ चल जीते रहो बेटा मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ असल परेशानी यही से शुरू होती है अरे पूरे जहाँ में फैला है खुदा का नूर उसे पूजा घरों में हम क्यों कैद कर रहे हैं अरे उस ऊपर वाले को चार दीवारी में कैद करने के काबिल हम और आप थोड़ी ना है अरे वाह जीते रहो बेटा चलो चलो अमजद भाई अरे कैप्टन अरे ये क्या साहब मुझे क्यों सलाम कर रहे हैं नहीं अमजद भाई तुम्हारे जैसा एक अमजद भाई हर शहर में हो तो इस मुल्क की बहुत तरक्की होगी आपको सलाम कैप्टन साहब शर्मिंदा ना करो मेरा क्या है आप फौजी के सामने हमारी क्या बिसात कुछ बहक गए थे तो समझा दिया ठीक है भाईजान तो हमारी शादी खातिर ही सही अगर आप ना होते तो हमारी शादी ना होती तब हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाकर मालूम नहीं क्या होता लेकिन क्या फायदा मुझे खेलने के लिए भांजा नहीं दिया अरे शर्माती है अमजद भाई ओए छोटे अरे वाह मेरे शाहरुख खान मेरा प्यारा भाई मेरे जिगर के टुकड़े ओए अल्लाहू अकबर जय बजरंग बली ए चलो रे जल्दी जल्दी हाथ बटाओ चलो चार
अरे ओ ख्वाजा सेठ, परेशानी क्या है तुम्हारी? आज सुबह सुबह इन दोनों बच्चों को डांटा तुमने, समझ क्या रखा है तुमने? परेशानी क्या है? बोलो बोलो बोलो, तुम बोलो। अच्छा मैं बोलूं? 6 महीने भाड़ा नहीं दिया तो जेल भेज दोगे? कटोरा पकड़ाने की धमकी देते हो? जुबेदा है अंदर? जुबेदा क्यों? अरे ओ, जुबेदा कड़क चाय लाना मेरे लिए। मत लाना। अरे इधर 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 मुझसे बात करो, क्या समझ रखा है? समझ क्या रखा है हमारे बारे में? बोलो बोलो सेठ। हाँ, बर्बादी की औलाद। सेठ इज्जत, इज्जत से बात करो, इज्जत से। इज्जत समझे? इज्जत क्यों? इज्जत हे छतरी लाना, काहे की इज्जत? काहे की इज्जत? अरे शक्ल देखो, शक्ल देखो, शाहरुख खान बहुत बड़ा हीरो बनेगा ये। और ये है डायरेक्टर मुन्ना। पहले कुछ डायरेक्ट किया है क्या? अरे डायरेक्ट भी कर लेगा है? ये भाग जाएंगे क्या? ये जेल का क्या चक्कर है? अरे जुबैदा, अरे कुछ नहीं जनाब, आपके ऑटो से गुजारा करता हूँ, किराया देना है ना? मैं यहाँ आ रहा था तो ये मिल गए, पकड़ कर लाया। क्या जनाब, ये किराया नहीं देते हैं? वही तो बोल रहा हूँ। अरे छोटे गलत बात, कितना किराया है? तू अंदर जा। क्यों बे? बाहर से यहाँ आकर तुम लोग लखनऊ के भाई पे रौब जमा रहे हो? कितनी मुश्किल से जमाया है, तू ठहर जरा। जुबैदा नहीं, मैं, तुम अंदर जाओ। hey, तू शाहरुख खान है तो क्या हुआ? हाँ देख, ऑटो का रूट बदला क्यों? ऐसा नहीं है साहब, आपका ऑटो चलाया, किराया दिया, उसी तरह ये लोग किराया देते रहे तो अब इतनी हमदर्दी है तो इनका किराया तू दे। साहब इतनी बड़ी बात बोल दी? अरे अभी देता हूं मैं, अभी के अभी। इंस्पेक्टर, मैं असम ख्वाजा बोल रहा हूँ। ऊपर रहने वाले 2 बर्बादियों ने मेरी दुकान से तेल के 2 डिब्बे चुरा लिए हैं। 3 महीने का भाड़ा, ये लो। मत आना, ये लो, तुम अंदर चलो। चलो जुबैदा। तुम? हाँ साहब। तुम बाहर चलो। बुढ़ा खूसट। अम्मी, अम्मी, देखो ना, रहा है। देखो ना कौन आया, शाहरुख खान। लो अम्मी आ गई। सलाम अलैकुम। जीते रहो, जीते रहो। लो बेटा। अरे एक मिनट, एक मिनट। अरे वो डायलॉग बोलना, वो माँ वाला डायलॉग, बहुत बढ़िया डायलॉग बोलता है। पहले तू डायलॉग बोल, डायलॉग पहले बोल। माँ, सृष्टि का स्वरूप है माँ, अनुराग की मूर्ति है माँ, आशा की किरण है माँ, अच्छाई की खुशबू है माँ, प्यार का दूसरा रूप है माँ, साक्षात भगवान है माँ, 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 माँ। अरे वाह, अरे जबरदस्त डायलॉग, अरे छोटे जबरदस्त जबरदस्त। अम्मी, अरे अम्मी क्यों रो रही हैं? हाँ आप क्यों रो रही हैं? अम्मी छोड़ो, चुप हो जाओ। मेरा बच्चा। हाँ सर, बहुत याद। अरे अम्मी क्या बात है? अम्मी जाने दो, ठीक है, जाने दो, ठीक है। मेरा छोटा भाई था अजहर, तेरे जैसा ही शरारती था, बेहद प्यारा था। कुछ साल पहले हमेशा की तरह बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे हो रहे थे। सारा का सारा शहर जल रहा था, मार काट मची थी, कर्फ्यू लगा था, वो घर में नहीं था। हम डर गए, उसकी बहुत तलाश की, तभी यहाँ के एक थिएटर को जला दिया गया। वो बेवकूफ भी अपने इब्राहिम चाचा के लड़के के साथ उसी थिएटर में गया था। जब तक वहां पहुंचे सब कुछ तबाह हो चुका था, शिनाख्त भी मुश्किल था, चारों तरफ लाश ही लाश, राख ही राख। अरे अम्मी छोड़ो ना, मालिक की मर्जी थी, हम क्या कर सकते हैं? हाँ अरे देखो, अल्लाह ने भेजा है 2-2 अजहर को, ये एक अजहर और ये दूसरा। आज अजहर की सालगिरह है, आप रो मत अम्मी, दो 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 दो, ये कपड़े अपने हाथों से दो। दो भी ले, दुआ दो ना। जीते रहो बेटा, मेरी उम्र भी तुम लोगों को लग जाए। अब चल 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 चल, अब खीर खाए, खीर खाए, खीर खाए, अपने हाथों से दो माँ, अपने हाथों से दे दो। नहीं, ये बात, अब रो मत अम्मी, आ करो। गौर से सुनो,
सबसे पहले पता करना है कि मसूद भाई कहाँ है। भाईजान को बाहर लाना है, चाहे जहां भी हो हमें भाईजान चाहिए, भले हम कुर्बान क्यों ना हो जाएं। उनकी हिफाजत में बंदूकें, कैश, आरडीएक्स सब तैयार है। नाइट इफेक्ट है, फुल डार्क है, कहीं दूर से कुत्ते भौंक रहे हैं। तू सजेशन में आएगा, तू टाइट सजेशन में उतर दिखेगा। विलेन रिवील होगा, कट टू विलेन पे शॉट, अगेन ट्रॉली मूव्स, तेरा एक्सप्रेशन सेम रहेगा, उसके बाद बारिश शुरू हो जाएगी, चक 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 चक, शॉट में टाइट लूंगा, टाइट में क्लोज लूंगा, फिर तू विलेन को घूर के देखेगा, बेचारी बहुत डरी हुई है रे, बहुत डरी हुई है, कौन? अरे माजी पैसे दो। जरा ठहर, जा कहाँ रही हूँ, ले पकड़। ये क्या 50 की बात है? 50 तेरे वालिद की हुकूमत है, दफा हो जा। ए, पेट्रोल का भाव बढ़ गया है। पेट्रोल का भाव क्या मुझसे पूछ के बढ़ा है? अरे तूने क्या पेट्रोल डालकर गाड़ी चलाई, घासलेट मिलाया, आते वक्त पूरा धुआं धुआं धुआं, बहुत खांसी आ रही थी। अरे अम्मा समझती क्यों नहीं, 50 किस बात का? चल तूने समझ गयी, ये चवनी रख, हमें अंदर जाने दे बेटा, मेरी बेटी को हीरोइन बन जाने दो, तुम सबको नौकरी से निकलवा दूंगी, घूस खो कहीं के, बेड़ा गर्क हो तुम्हारा। हीरोइन बनना चाहती हो, बहुत ही सही वक्त पे आए हो तुम। अभी थोड़ी देर पहले शाहरुख खान ने फोन किया था, तुम जैसी ही खूबसूरत लड़की की तलाश है उन्हें, शिमला जाने के लिए एयरपोर्ट जा रहा था, कैंसल, काम हो गया। शाहरुख खान है क्या? हाँ, वही शाहरुख खान, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाले। आप बैठिए ना। अच्छा, अरे राजू बन गया जेंटलमैन, मोहब्बतें डुप्लीकेट, दिल से कभी हाँ कभी ना, दिल तो पागल है, अब तो बस आप ही उनकी हीरोइन हो, फिल्म सुपर। फंस गए बेचारी भेड़िए के हाथ में, कितने लोगों को बचाएंगे हम? पता नहीं, बहुत बड़ी हीरोइन बनेगी। तुझे कैसे पता? बगल में उसकी माँ को देखकर। हम उस लड़की को फिल्म में हीरोइन बनाएंगे क्या? नहीं, हीरोइन के साथ मैं काम नहीं करूंगा, ऐश्वर्या रॉय नहीं तो करिश्मा कपूर। क्या रे, जानता है मैं क्या करने वाला हूँ? ले के मारूंगा। धन 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 धन। क्या रे, डिस्को डांस है ये? बड़क पड़ुम बड़क पड़ुम धड़क तड़म, एक्शन बोल भाई, एक्शन। ए मुन्ना क्या हुआ बे, क्या ये डिंपल की चाल है? अरे जख्मी औरत देखकर पता चलेगा। ओके टेक एक्शन। यप यप न्याँ, यप यप न्याँ, प्याँ। ए भगवान। अरे रुक जा, रुक जा, कहाँ गई? उधर देखते हैं। बचाओ, बचाओ, कोई मदद करो। अगर डिंपल की चाल भी इसे बुरी लग रही है तो इसके डायरेक्शन में एक्टिंग कैसे करूंगा? अरे कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, बचाओ, मैं बचाओ, अरे पुलिस, ये लोग मेरी बेटी के सर पे हाथ डाल रहे थे, बचाओ हमें। कौन है बे, पुलिस से पंगा ले रहा है? अबे अंदर डाल दूंगा समझा। अरे भैया निकल ले, भाग गए कमीने, देखा पुलिस की एक्टिंग, अबे डायरेक्शन सीख ले तू। अरे कहाँ है चमक चलो, गांव के लोगों ने श्रीदेवी जैसी है, करिश्मा जैसी है कहकर चढ़ा दिया और दौड़ लगाते सीधे स्टूडियो में घुस गई, जैसे कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर बाहें फैलाए बैठे हैं कि तुम्हें हीरोइन बनाएंगे। अरे कहाँ थी अभी तक तुम्हारा इंतजार था? अरे चुप, चोर है एक नंबर का वो, शाहरुख और सलमान का नाम सुन लिया और कार में बैठकर चल पड़ी बड़ी आई हीरोइन बनने। अरे गांव की लड़की, अरे फिल्मी दुनिया को जानता नहीं, दरअसल मैं यहाँ कमीनों से गा, जाने दे यार औरतें हैं, नौटंकी बंद करो, गोरी चमड़ी से हीरोइन नहीं बनते, नसीब चलता है नसीब, लगता है इस बुढ़िया ने तेरा भेजा खराब किया है। ए सोन चुपचाप अपनी बेटी को लेकर वापस चली जाओ, शादी वादी कर दे इसकी, समझी क्या? एक मौका, सिर्फ एक मौका, मैं अपनी काबिलियत साबित कर दूंगी। छोटे ये डायलॉग किसी फिल्म का है ना, कोशिश करना बुरी बात नहीं है, हिम्मत रखो, कोशिश करते रहने से कामयाबी जरूर मिलती है। तुम हीरोइन बनने तक इस घर में रह सकती हो, सारा इसे अंदर लेकर जाओ। छोटे अच्छी क्लास थी अमजद भाई, कैप्टन
वो तो ठीक है छोटे, पर ये पहन क्या रखा है? जनाब वो एक पुलिस वाले की कहानी, जबरदस्त स्क्रिप्ट है साहब, शोले से भी उम्दा फिल्म। हाँ जनाब, सुपरहिट स्टोरी है। 70s में अमिताभ की जंजीर थी, 80s में ओमपुरी का अर्धसत्य, 90s में मनोज का शूल। इसके बाद पुलिस पे कोई फिल्म नहीं बनी है जनाब, ये बहुत सुपरहिट कहानी है जनाब। हाँ जनाब, इस फिल्म में अपना छोटे हीरो है जनाब, बस एक मौका, बस एक चांस। फीलिंग के लिए, पुलिस ड्रेस में घूमने के लिए मैंने कहा जनाब। कैसा दिखता हूँ जनाब? अच्छा है, मगर वर्दी में वॉचमैन जैसा लग रहा है। अमजद भाई, अमजद भाई, आप भी मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। मन्ना, फिल्मों में पुलिस वालों को अक्सर बुरा ही दिखाते हैं। कम से कम तुम तो पता कर लो कि पुलिस क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, उनका जीवन क्या है, उनकी वर्दी कैसी होती है। रिसर्च करो, उनकी असलियत दिखाने की कोशिश करो। हम एक काम करें, एक पुलिस ऑफिसर मेरा जिगरी दोस्त है, प्रेसिडेंट मेडल भी जीत चुका है, बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर है, एक बार उससे मिलते हैं। कौन है जनाब? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, राजा राम तिवारी। ब्लू बैग और ब्राउन कुर्ते में एक आदमी आएगा, उसके पास बंदूक और RDX है, उसे लेने के बाद मुझे फोन करना तुम। भाई पुलिस, क्या कर रहा है? रुक जा। खुमैनी और लादेन जैसे उग्रपंथी अपनी खुदगर्जी के लिए पवित्र कुरान के मायने बदलकर आतंकवादी गिरोह बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं जनाब। वो बहका रहे हैं कि इस्लाम की रक्षा नहीं हो रही है और वो बर्बाद होने का डर मुसलमानों में पैदा कर रहे हैं जनाब। नादान मुस्लिम जवानों को बहका कर उन्हें आतंकवादी बनाना और हमारे मुल्क को कब्रिस्तान बनाना, यही उनका मकसद है जनाब। इसी तरह एक आतंकवादी संगठन का मुखिया है ये मसूद अजहर। खलील, 2 इयर्स क्या है रे, ये तू इंडिया नहीं है, यहां पैदा नहीं हुआ? धोखा क्यों पाकिस्तान की बोल कमीने, जन्मभूमि को धोखा देने की तैयारी कर रहा है? हजारों पाकिस्तान भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, खाल उधेड़ देंगे, तोड़ो इसको साहब उगाल देगा। राजा, take care.
कैसे हैं एसीपी साहब? यही है एसीपी राजा राम। राजा ये है छोटे, मेरा बहुत खास, फिल्मों में हीरो बनना चाहता है। और ये बंदा नमस्ते जनाब, क्या पूछना है पूछ लो जनाब। मेरे पास जबरदस्त स्क्रिप्ट है साहब, मैं तीन से अच्छा रिसर्च कर रहा हूं, पुलिस की कहानी सुपर हिट हो जाएगी। बस पुलिस की बॉडी लैंग्वेज चाहिए, कैसा आईपीएस लोग हैं सर, आप लोग क्या कहते हैं, कैसे करते हैं, कैसे ब्यूटी करते हैं, कैसे सैल्यूट मारते हैं, क्या सुपर हिट हो जाएगी जनाब। उससे बस आपकी थोड़ी सी मदद, मुझे पुलिस की जिंदगी के बारे में जानना है, मैं जानता हूं कि आप हमारी जिंदगी बन जाएगी जनाब। आप जरा मेरी बात सुनिए, हमारी सेवा करते हैं जनाब। जनाब जनाब कैप्टन, ट्रेन छूट रही है क्या? समझ गया जनाब। जनाब हे दिमाग खराब मत कर, फोन रख, बकवास किए जा रहा है। आदाब अर्जे साहब। आदाब साहब, खलील मिल गया साहब। नहीं साहब, मुश्किल है साहब। अली खान साहब, अब वही साहब बंजारा डिस्को बार में मिलेगा साहब। हर जुमे को उसको कहीं से पैसे हासिल होते हैं, तो पूरे हफ्ते बंजारा डिस्को बार में मस्ती करता है लड़कियों के साथ। चल चल, इंडस्ट्री वाले भी बहुत बर्दाश्त करते हैं भाई, कैसे कैसे लोगों से पंगा लेना पड़ता है पता है उनको। वैसे मेरा डायलॉग सुनकर तो वो डर गया होगा, निकम्मा कहीं का, ऐसी होती है एक्टिंग। अरे गंगा, ऐसे क्यों देख रही हो? छोटे हूँ छोटे। अरे छोटे तू? हाँ, वैसे यहाँ कैसे, किसी डायरेक्टर से मिलने आई हो क्या छोटे? अरे हंस क्यों रही हो, बड़ा हीरो है लेकिन डायलॉग नहीं आता है। 130 टेक। टेक माने? अरे टेक मतलब वही क्लैप बोर्ड, बाद में खुद समझ जाओगी। 30 साल के तजुर्बे के बावजूद डायलॉग नहीं बोल सकता, उसकी जगह मैंने डायलॉग बोल दिया गंगा। बस एक मौका गंगा, एक मौका, पता नहीं कब मिलेगा। 4 पेज का डायलॉग एक ही टेक में बोल दूंगा गंगा। इस फिल्म इंडस्ट्री में ना नसीब बड़ी चीज होती है, जो काबिल है वो कामयाब हो जाता है। इसलिए हमेशा तैयार रहो, जल्दी से डांस सीखो, अदाकारी सीखो, फिल्में देखो। मौका एक ही बार मिलता है गंगा, उसे जाया नहीं जाने देना, ठीक है? आनंद सर, फौरन पता करो कि ये नंबर किसका है। जी क्विक। धत ये फोन भी ना, सभी लाइन एंगेज हैं। फोन काम कर रहा है या नहीं? फोन फोन। बेंगलुरु का कोड 080। बताओ। टेररिस्ट? पाकिस्तानी टेररिस्ट? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर? मुस्लिम? पाकिस्तानी? ओके, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक गॉड। ए, अंधा है क्या तुम? उस दिन गायब हो गए थे, अब मिले हो? बड़ा गुंडा समझते हो खुद को? दिल्ली की लड़कियों को क्या समझा है? खुद को क्या समझते हो तुम? तुम्हारा वक्त खराब चल रहा है, तुम लफंगे हो, गुंडे हो, इडियट, बदतमीज कहीं के। तुम्हारी इतनी जरूरत मेरे बदन पे हाथ डाल रहा हो, बचाओ, हेल्प हेल्प, ये लफंगा बदतमीजी कर रहा है, बचाओ कोई, मेरी हिफाजत करो। तुम मुझे नहीं जानते, मैं यहाँ के बहुत सारे पुलिस ऑफिसर को जानती हूँ, बचाओ। धक्का दिया,
10 मिनट 10 मिनट तुम यही रुकना। यहाँ के कमिश्नर मेरे पिताजी के करीबी दोस्त हैं। तुम यही रुकना, समझे? मैं अभी लेकर आती हूँ उन्हें। हाथ लगाता है, हाथ, डर के मारे भागना मत। 10 मिनट मैं 10 मिनट में वापस आ रही हूँ, बदतमीज कहीं के। क्यों रे, क्या समझता है खुद को, बड़ा गुंडा समझता है? चल अब छू बच्ची को, छू के दिखा, दिखा। अमजद भाई। अमजद भाई, हाँ। कभी मेरा नाम सुना है? कौन है बितुआ? क्या नाम, क्या तेरा? बोल, तेरी तो। अमजद भाई, एक मुक्के में गिर गए आप। अरे मर गए क्या? गिरना मत, गिरना मत, जा। अरे छोड़ देना, अरे बोलना इसको, छोड़ देना, टूट गया रे। अरे बच्चा रे, छोड़ 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 भाई, उसने कपड़ा छोड़ दिया है। हाँ? वो रहा कमीना, जाके उसकी धुलाई करो। कमान, मारो इसे, मारो। तू पीछे, तू, अरे तू हटा। पर क्यों रुका आपने? सुना है रामायण की शूटिंग बीच में ही रुक गई है। मुझे इस होलिया में देखने के बाद प्रोड्यूसर शायद राजी हो जाए। उसका ऑफिस का है, इसलिए तो तुझे साथ लाया हूँ। तलाश कर। अरे तुमको लगी तो नहीं, उठो। देखो देखो, अमजद का कमाल यही है, अमजद का कमाल। और दिखाऊं क्या? अरे कान के नीचे दू, उस तरह निकालू। अरे ये मर जाएगा, कोई आकर इसे बचा लो, बेचारा मर जाएगा। लगता है होश खो बैठा है। हाँ, अच्छा छोड़, निकल। आ, पूजा बहन से माफी मांग। अरे माफी मांग कह रहा हूँ ना, माफी मांग। ऐसे हथकड़ी लगा के एक सुंदर सी लड़की को धूप में खड़ा कर दिया है। क्या बे, चल बाग, चल निकल यहाँ से कमीने। साहब, इंस्पेक्टर साहब, गलती हो गई, माफ कर दीजिए साहब, अब ऐसा आगे से नहीं होगा साहब। साहब, खड़ूस इंस्पेक्टर कहीं का? भाईजान, बड़े भाईजान, ए मुंगे बोला, मुझे मालूम नहीं था साहब आप इतने बड़े अफसर हैं। साहब, साहब आप उससे बात करो साहब,
साहब मेरा बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, ऑटो में कस्टमर के भोले हुए पैसे मैं लौटा देता हूँ साहब, एक पैसा नहीं लेता, मुझे बेस्ट ऑटो ड्राइवर का अवार्ड मिला है साहब। साहब इन मुजरिमों के साथ मुझे मत रखिए साहब, इज्जत का सवाल है साहब, वाकई मेरी इज्जत खराब हो रही है साहब। साहब साहब ये लोग जानते हैं कि अमजद भाई कौन है, मैं इन लोगों को पैसे देता हूँ, परसों ही मैंने 100 रुपए दिए थे। पुलिस ऑफिसर पे हाथ उठाता है, बदमाश। अरे ठीक है ठीक है साहब, औरत की इज्जत पास के इलाके को अच्छी तरह से चेक करो इमीडिएटली। अगर औरत का मामला इसे इंटरोगेशन ऑफिस भेजो। बस 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 यही रोक दो। रुको 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 रुको, मैं देखता हूँ। अरे बेचारी। अरे कैप्टन साहब आइए, कैप्टन साहब बगैर कुछ सोचे समझे पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। कैप्टन पूजा ने कुछ ऐसी वैसी बात कही, गुंडा समझ करते हैं उनके साथ मारपीट की, मुझे नहीं मालूम था कैप्टन। नहीं नहीं वो ऐसा आदमी नहीं है, बेहद शरीफ है, अच्छी तरह जानता हूँ मैं। तुम्हें बताया था ना मैंने, मेरी और सारा की शादी में हीरो की तरह मुकाबला किया था इसने। गलती हो गई साहब, मालूम ही नहीं था कि आप इतने बड़े अफसर हैं, वर्दी नहीं पहन रखी थी ना, तो थोड़ी गलतफहमी हो गई। वो क्या है ना कि मैं पूजा बहन से बेहद प्यार करता हूँ, अमजद भाई कह के रोई तो मेरा खून खौल उठा, इसलिए दौड़ा दौड़ा चला आया। लेकिन क्या मारा साहब आपने, आपका मार मतलब जबरदस्त साहब ही है, तो अभी पता चला कि आप कैप्टन साहब के दोस्त हैं। कैप्टन साहब के दोस्त मतलब मेरे भी दोस्त, और मैं दोस्ती के लिए जान भी दे देता हूँ। जितने भी लोग फ्लैट में हैं साहब की तफसील चाहिए। ठीक है हम लोग ठीक कर रहे हैं, आप आराम कीजिए। अरे यहाँ पे उसके बारे में गलत मत सोचना। नहीं नहीं साहब, वो मेरा खास दोस्त है, बचपन का दोस्त, पुलिस में जाना उसका बचपन का ख्वाब था, दिन रात मेहनत की इसीलिए रैंक में सेलेक्ट हुआ, उसी की सोहबत में मैंने आर्मी ज्वाइन किया। आईपीएस बनने के 2 साल के अंदर ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बेस्ट ऑफिसर का अवार्ड पा चुका है। A very dedicated person, a brilliant officer. मुझे उस पर फख्र होता है, काफी जोश और हिम्मत है उसमें। और एक बात, उसे पाकिस्तान से नफरत है, वो मुल्क में फैल रहे दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसी कोशिश में अपनी जान से भी अजीज स्वाति को खो दिया उसने, वो सिर्फ कहने के लिए जिंदा है, एक लाश की तरह। वो अपने अंदर कितना घुट रहा है किसी को नहीं मालूम, वो ना बताए फिर भी मुझे मालूम है, वो अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। सर पुलिस स्टेशन, कैप्टन अजय, अमजद भाई, वो याद आया ना? सर सॉरी सर, सर आप पुलिस ऑफिसर हैं, मालूम ही नहीं था, ओवर रिएक्ट किया, मुझे माफ कर दीजिए सर, आप कैप्टन के दोस्त हैं, आई एम सॉरी सर। उस दिन आई मीन That day, जो भी हुआ मैं शर्मिंदा हूँ सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, सर वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी सर, सर सर बदतमीज है, ये भी नहीं सोचा कि मैं एक लड़की हूँ, सीधे बाहर धकेल के दरवाजा बंद कर दिया मगरूर ने। मैं भी शहरी लड़की हूँ, इतनी हसीन हूँ, तरस खा के सॉरी कहने गई और बाहर निकाल दिया। हीरो समझता है खुद को, अगली मर्तबा मिला ना तो मैं पलट के देखूंगी नहीं उसे, कमीना पुलिस। दोबारा मिलेगा तो मुंह फेर लूंगी, इतना गुस्सा तो नजर नहीं आ रहा। कुछ और ही बात है, उसकी बातें सोच के मेरा खून खौल रहा है, दोबारा मिला तो देख लेना मुंह नोच लूंगी उसका। तो मैं उसे पैसे नहीं भेज रहे हूँ मियाँ, तुम्हें मालूम 2 साल से दो दो मर्तबा दो दो बच्चे दे रही हूँ। अरे ये क्या हो गया? याला सायरा क्या मियाँ दूसरे को क्या दे, पहले को भूल गए, चुप मत
अरे कैप्टन, अरे पहचानो मुझे, मैं छोटे हूँ। अरे पूजा पूजा मेरी बात तो सुनो। अरे चाची 420 वाले कमल हसन का बेटा भैया। अरे मुझे कहाँ फंसवा दिया। अरे ये लोग मुझे मार डालेंगे। आ जा जल्दी, आ जा तोड़ के। अरे जल्दी आ मुन्ना। सायरा, क्या हुआ? मित्रों, परम मित्रों, तो दोस्तों, इस शाम की गोद भराई में। शाम की गोद भराई क्या है? ये शाम आप भी शुद्ध हिंदी बोलने लगे। निर्देश के बाशिंदो, हमारे कैप्टन अजय साहब ने बहुत मेहनत करके बेगम साहिबा सायरा बानो जी माँ बनने वाली हैं। ऐसे शुभ अवसर पर हम उन्हें और उनके होने वाले बच्चे के लिए, उस भगवान से स्वास्थ्य और सुंदरता के लिए दिल से दुआ मांगते हैं और अपने पवित्र भारत के महान कलाकारों की तरफ से एक रंगीन प्रस्तुति पेश करते हैं। मतलब जो हमारे फिल्मी कलाकार शारजहां, दुबई, कतार और शारजहां में जाके स्टेज शो करते हैं ना, वही स्टार नाइन। बहुत छोटे डांस। हाँ हेलो राजा सर। कैप्टन, हमारी खुफिया जांच से पता चला है कि पाकिस्तानी आर्मी की हलचल हमारे बॉर्डर पे अचानक बढ़ गई है। इमीडिएटली रिपोर्ट करने के लिए बोला है सर। अमजद भाई जी, कैप्टन सारा का ख्याल रखिए। आप फिक्र मत कीजिए। छोटे मुन्ना जी, कैप्टन किसी भी तरह की दिक्कत हो तो राजा के पास जाना। जी कैप्टन। अमजद भाई शर्मिंदा मत कीजिए कैप्टन साहब, ये हमारी बहन है, हम ख्याल रखेंगे। आप जाइए, जाकर उन पाकिस्तानी कमीनों की खाल खींच लीजिए। आप चलिए कैप्टन, चलिए आप, देख लेंगे क्या होता है। कैप्टन जय हिंद। कैप्टन मालूम है अमजद ने क्या कहा, इस देश का सच्चा बेटा है वो, हजारों लाखों में एक, इसीलिए मेरी नजर में उसकी बहुत इज्जत है। जानता हूं, सब जानता हूं तू क्यों गुस्से में रहता है, लेकिन ये अमजद दूसरी मिट्टी का है, सच्चा हिंदुस्तानी, सच्चा मुसलमान। खलील और अली पुलिस की गिरफ्त में है, उनकी जुबान खुली तो मसूद भाई के लिए की गई हमारी सारी मेहनत बर्बाद। हमें कुछ रोज के लिए खामोश रहना होगा और किसी महफूज ठिकाने पर छुपना होगा, ठीक है? इस दरमियान पुलिस के लोगों को गुमराह करना होगा, ठीक है? रामदास नायक, प्रेम शर्मा, ये भी गए थे मुंबई से मस्जिद को गिराने के लिए। इनकी सारी मालूमात चाहिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनात् मुक्तिर्मोक्षे मामृतात् ॐ जप शिवाय। अजहर, 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 भाईजान, या अल्लाह, अजहर मेरे भाई, अजहर, अजहर कहाँ चला गया था रे, मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था मेरी जान। अरे देखो 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 सब लोग देखो, सब लोग देखो, मेरा भाई आ गया है, मेरा भाई आ गया है, देखो देखो मेरा भाई आ गया है, मेरा भाई आ गया है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्रिया, तेरा लाख लाख शुक्रिया मेरे मौला, मेरा भाई, देखो जमाल भाई मेरा भाई लौट आया है, मेरा भाई लौट आया है, मेरा भाई लौट आया है। ले खा ले। उस रोज क्या हुआ था रे? उस रोज वो दंगे में
हिंदुओं ने मेरी नजरों के सामने इस्माइल भाई को मार दिया। या अल्लाह, सोचा मुझे भी खत्म कर देंगे इसलिए मैं दुबई चला गया। ऐसा मत कहो बेटा। उधर ही पिछले 2 साल मैंने पेट्रोल पंप पे काम किया। अम्मी जान को आपको देखने का बड़ा दिल हुआ इसलिए वापस चला आया। अच्छा काम किया तूने, अच्छा काम किया। तू खाना, बिरयानी खा। भाई जान, क्या एक बात बोलूं? हाँ बोलना। मैं आया हूँ ये बात किसी को मत कह। अरे ऐसा कैसे मुमकिन है? बकरा काटना है, बिरयानी बनानी है, पूरे मोहल्ले को खिलाना है। क्या हुआ? मुझे डर लगता है। अरे पागल, क्यों डर रहा है तू? अरे मैं भाईजान नहीं, मैं लौट आया हूँ, ये बात किसी से मत कहो भाईजान। अरे क्या होगा? हाँ क्या होगा? मेरे आने की खबर हुई तो हिंदू लोग मुझे मार डालेंगे। अरे पागल हो गया तू, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अम्मी, कुछ नहीं होगा। अरे अम्मी आप ही समझाओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है, नहीं बोलना। मैं नहीं बताऊंगा, पहले तो वादा कर, कसम खा तू हमें छोड़कर अब कभी नहीं जाएगा, हमारे साथ ही रहेगा। ठीक है ठीक है। मसूद भाई को कभी भी कहीं भी देखा है क्या? मेरे को नहीं मालूम। जिंदा है कि मर चुके हैं? हाँ मैंने देखा, जिंदा है। कब देखा तुमने? 10 दिन पहले। कहाँ? वैन में ले जा रहे थे। किधर? वो मालूम नहीं, वो पुलिस वालों का मामला है ना, बहुत खतरनाक है। क्या हुआ? ए मसूर, हमें अच्छी तरह पता है कि तेरे लिए शहर में कत्ल किए जा रहे हैं, तुझे रिहा करवाने के लिए प्लान बनवाए जा रहे हैं। अब तक तो तुझे पता चल गया होगा कि इंडियन पुलिस क्या है। बोल। हमारा एक ही मकसद है, जिहाद, जिहाद। हाँ, पवित्र युद्ध। अपनी खुदगर्जी के लिए शब्द का मतलब ही बदल दिया है तुम लोगों ने। तुम्हारे पैगंबर ने जिहाद को हक की लड़ाई कहा था, बेकसूरों का खून बहाने के लिए नहीं। ठीक उसी तरह हजारों साल पहले हमारे श्री कृष्ण भगवान ने हमारी भगवत गीता में भी युद्ध का आह्वान किया था। वैसे युद्ध की शुरुआत अगर हमने कर दी तो 2 मिनट में तुम सब खाक में मिल जाओगे। hey, ये नहीं होगा, ये सब तुम्हारी कुवत में नहीं है। शांति के पुजारी बनते हो तो अमन से रहो। काटने के लिए जिगर चाहिए, वो तुम्हारे पास नहीं है। अरे कायर हो तुम लोग, है तुम में दम? डरते हो ना? डर? ये डर नहीं है, व्यवस्था पर आस्था है हमारी। हम जान देकर दूसरों के धर्म की रक्षा करते आए हैं, किसी की जान नहीं लेते हम लोग। और तुम, पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर आज तक तुम धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मारकाट करते आए हो। बकवास, मजाहिब का मेल सब बकवास है। इस मुल्क में सर्वधर्म संभाव है, सुनकर हंसी आती है। सियासी ड्रामा है यह सब। पॉलिटिकल ड्रामा? मसूद, पवित्र काशी विश्वनाथ के भी दरवाजे खुलते हैं मुसलमान बिस्मिल्लाह खान की शहनाई सुनने के बाद। इस मुल्क के सबसे अहम ओहदे पर अभी तक बने हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, हिदायतुल्ला और अब अब्दुल कलाम। हमारे मुल्क में श्री रामचंद्र और वेंकटेश स्वामी के साथ बुद्ध की भी पूजा होती है। यहाँ मुसलमान संत श्री शिरडी साईं बाबा को भी लोग भगवान मानते हैं। हर घर में तस्वीर है उनकी, हर घर में मंदिर बना है उनका। ये एक मिसाल काफी है हिंदू धर्म को समझने के लिए। तकरीर अच्छी है, आगे आगे देखो, बहुत जल्द तुम्हारा ये हिंदुस्तान जलकर खाक हो जाएगा। अमेरिका में देखा नहीं क्या हुआ? ये सिर्फ नमूना है, हमारे जिहादियों के हाथों तुम्हारे पार्लियामेंट के इमारतों को उड़ा दिया जाएगा। हिंदू काफिरों के मंदिरों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, तुम्हारे इस तिरंगे को चीर के रख देंगे। सर इस कमीने से क्या बहस कर रहे हैं, क्या प्रवचन सुन रहे हैं इसकी? कल इसे छुड़ाने के लिए कोई प्लान हाईजैक करेगा, लोगों को अगवा करेगा। सर ऐसे जाहिलों को सरेआम गोली मार देनी चाहिए, इनके लिए वक्त, सिक्योरिटी और खाना बर्बाद कर रहे हैं। Meow 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 meow
कौन है रे तू? पहले तो तुझे नहीं देखा, बोलना रे यहाँ क्या कर रहा है? शक्ल से तो तू हिंदुस्तानी नहीं लगता। पाकिस्तानी है? अफगानी है? आइए सैया, ओसामा का जासूस। और कितने हैं तेरे साथ इंडिया में? ऐसे क्यों देख रहा है बे? कैदी बनाकर थर्ड डिग्री, छिछी 30 डिग्री दिलाऊंगा ना तो सब कुछ उगल देगा। क्यों, आरडीएक्स कहां कहां छुपाया है? इधर छिपाया, उधर छिपाया, किधर किधर छिपाया? अमजद भाई, अमजद भाई, मेरे भाई। अरे भूल ही गया मैं, पहचाना इसे? हाँ, हजर है। अरे मेरा सगा भाई। तुझे बताया था ना, अल्लाह का शुक्र है लौट कर आ गया। दुबई में रह रहा था। देख इसे, कह रहे कसरत कर रहा है। हाँ, ये है ना? रहने दो, पहले ही मैंने शौक दे दिया, डर गए ना? सच बताओ ना, कैसी एक्टिंग करता हूँ? अरे इसको भी नहीं छोड़ा तूने, ये ऐसा ही है, बहुत अच्छा एक्टर है, सबको हैरान कर देता है। देखना एक दिन शाहरुख खान बनेगा मेरा भाई। क्या रे खाना खाए? चल आ जा खाते। इस फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी फिल्में बनाई, मैंने आज तक कहीं पर नहीं देखा। ओ मेरी चमेली, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, इन सभी जुबानों में तुम्हारी जैसे हीरोइन। मंचली कहाँ चली? इतनी जल्दी क्यों बुलाया? अरे गंगा की माँ ने एक सेपरेट फ्लैट ले लिया है। हाँ? वो गंगा को यहाँ से लेकर जाने वाली है। गंगा तुमसे मिलना चाहती है, जाओ। खुदा तुम्हारी हमेशा हिफाजत करे, सब अच्छा होगा, इसे मिला दो। मुझे यकीन है तुम एक रोज बड़ी हीरोइन बनोगी। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। आमीन। हमें भूलना मत। हाँ गंगा, ऑल द बेस्ट। लो ये गणपति अपने पास रखो, हमेशा अच्छा ही होगा। मैं सबसे कहूंगी कि ये बड़ी हीरोइन हमारी सहेली है। बहन कभी भी जरूरत हो तो अमजद भाई को बुलाना, भूलना मत। हाँ। कांग्रेट्स, तुम्हें देखकर बहुत जलन हो रही है, लकी हो तुम। फिल्म में मौका मिलना ही तो मुश्किल है, संभल कर निभाना। नाम के लिए, पैसों के लिए या फिर अपनी माँ के लिए झुकना मत। फिल्मी किरदार से अपना किरदार ज्यादा अहम है। तुम बड़ी स्टार बन जाओगी, नेशनल लेवल की स्टार, श्री देवी से भी बड़ी, तब मुझे रिकमेंड करोगी ना? एक मौका, बस एक मौका दिलवाओगी, दिलवाओगी ना? ओके। गंगा, गंगा क्या हुआ? गंगा, गंगा, अरे गंगा, अरे अरे अरे, रुलाई तो आएगी ही ना। इतने रोज तक आप लोगों के साथ रही, अब आप लोगों को छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो रुलाई तो आएगी ना। बेहद तकलीफ हो रही है, अब जाते हैं। फ्लाइट से ऊटी शूटिंग के लिए जाना है। चल बेटा चल। अरे ओ टोपी, हाँ? सूटकेस तो लेके आ। आजा बेटी आजा, चल। रोने से शक्ल खराब हो जाती है, चुप हो जा। माजी, मेरे ऑटो में चलिए। अरे तुम्हें समझ में नहीं आता है, चलो चलो। अरे लेकिन आओ मैडम, बैठो मैडम जी, इधर ला। आजा बेटा, बैठो मैडम जी। हाँ हाँ जी। अमजद भाई, क्या है? डर लग रहा है मुझे। ड्राइवर चलो। ऑटो चलाने वाला कमजर्फ मेरा दामाद बनेगा? अरे थू, ये प्यार का नाटक नहीं चलेगा। मासूम अली नाम का रईस दामाद मिला है मुझे, दुबई में दो दो पेट्रोल पंप है, मालूम? उसी से तेरा निकाह तय किया है। चुप, रोना बंद कर। तुम सब लोग मिलकर समझाओ इसे। तुम आओ।
यार बेचारी जुबेदा बहुत रो रही है, पैसों के लालच में उसका हॉल उसका निकाह किसी और से करवा रहा है। ऐसे वक्त पे अमजद भी नजर नहीं आ रहा है। ए अमजद, अमजद कहां हो तुम? पता नहीं कहां चले गए अमजद भाई, क्या करे? अरे भी नहीं रहा, रास्ते में पड़ी रहता हूं वो भी। अरे तुम, अरे छोटे बच्चे, तुम जुबेदा की शादी किसी और से हो रही है, बहुत हो रही है, बुड्ढा मान नहीं रहा, मान नहीं रहा यार। हम क्या करें, हमारी कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत परेशान है। अभी बता रहा हूं तुम इसका सही के मुझे बताओ, ताजमहल चाय पत्ती है क्या? हे ठहरो अंकल, किधर? अंकल जुबेदा को सजाने समझाओ से। हाँ अंकल। जी अंकल। ये ऊंचे कद की बेगम कौन है? मैं एक आदमी की बेगम हूँ अंकल, मेरे वालिद का नाम है हाउल्ला, चचा चुल्ला, शाहरुख उल्ला। अब जाए ना अंकल। तुम्हारे वालिद का नाम कुछ ज्यादा ही लंबा है, इसलिए तो मैं लंबी पैदा हुई। तुम जरा अपनी शक्ल दिखाओ। ये लोग पक्के तालिबानी मुस्लिम है, मियाँ के अलावा कोई भी इनकी शक्ल नहीं देख सकता। देखा तो मारा जाएगा। उसामा बिन लादेन। हाँ। बेटी तुम भी समझाओ। हाँ। खैर करे। उसामा बिन लादेन, सॉरी इंस्पेक्टर। ए चल हट हट, अरे यहाँ कोई निकाह नहीं होने वाला। हट। अरे ओ बुड्ढे, किस थकेले से निकाह कर रहा है तू मेरी जुबेदा का? खाल खींच के रख दूंगा। अरे ओ जुबेदा, बाहर आ जा, फरार हो जाएंगे। अरे निकाह में खलल क्यों डाल रहे हो भाई? अरे खलल क्या होता है बताओ तुझे? ख्वातीन ओ हजरात, हम दोनों ने मिलकर क्या किया है मालूम है? इसी ऑटो में पूरे शहर का चक्कर लगाया है। शादी से पहले? हाँ बहन जी, हम दोनों एक साथ ताजमहल देखने गए थे। शादी से पहले? हाँ भाई जान, शादी से पहले। कुछ कुछ होता है पिक्चर देखी है आपने? अरे 20 बार देखी है हमने, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर। बंद करो, पागलपन किया तो पुलिस को फोन करूंगा मैं। इंस्पेक्टर। पुलिस? अरे पुलिस को बुला रहा है, बुला रहे, बुला पुलिस को। मैं क्या डरता हूँ? अरे बुड्ढे, मैं भी मुसलमान, जुबेदा भी मुसलमान, मैं बालिग, जुबेदा भी बालिग, लफड़ाई नहीं है, उल्टे जबरन उसका निकाह करवाया तो अंदर जाएगा। जुबेदा चल फरार हो जाएंगे। जुबेदा मताना, चल आ जा। जुबेदा मताना, मेरी जुबेदा कहाँ है? यहाँ ना इंसाफी हो रही है और तुम जा रही हो। मेरे और जुबेदा के फरार होने तक यहाँ से कोई नहीं लेगा। अरे जुबेदा को अंदर बंद कर रखा है। जुबेदा आ जाओ, तुम्हारे दोस्त भी आ गए हैं। अरे कोई मेरी मोहब्बत को नहीं समझ रहा। मैं मुसलमान, जुबेदा मुसलमान, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। मैं मालिक, जुबेदा मालिक, और ये अहमक ज़ाइफ हमारी शादी में रुकावट डाल रहा है, मैं उसे लेकर भाग जाऊंगा। जुबेदा, जुबेदा तुम? हां मैं, बुरके में जुबेदा है गधे। अरे जुबेदा, जुबेदा नहीं, चलो जुबेदा फरार हो। नहीं रुक, चल छोड़ मुझे, मैं जाएगा तो छोड़ मुझे। सर ये मसूद को पकड़ते वक्त निकल गया था, कई माह बाद फिर से शहर में आ गया है, पुराने शहर में कहीं छिपा है, हमारे आदमी तलाश कर रहे हैं इसे। छोड़ दे, मार दूंगा तेरी बीवी को। शहर में जो कत्ल हो रहे हैं उनसे इसका कनेक्शन है, शायद मसूद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है ये। नमस्ते सलाम साहब। वो क्या है कि कुछ नहीं साहब। कुछ कैसे नहीं है जनाब, आप तो जानते ही है ना कि ये दोनों एक दूसरे से, इसके वालिद ने दूसरी जगह निकाह करना चाहा तो भगा कर लाना पड़ा। कोई लफड़ा नहीं साहब, मतलब मैं भी बालिग और ये भी बालिग है साहब, मैं भी मुस्लिम ये भी मुस्लिम, लेकिन इसका वालिद बहुत बदमाश है साहब। हाँ जनाब। हाँ कैप्टन जनाब, ने कहा था, कैप्टन साहब जाते जाते कह गए थे कि कोई परेशानी हो तो आपसे मिल लेते हैं, आपके पास ही आने को कहा था साहब। छोटी मोटी गड़बड़ होती तो हम खुद ही देख लेते साहब। साहब ये मुझसे मोहब्बत करती है, मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ, इसमें जबरदस्ती कुछ भी नहीं है साहब, तुम भी कुछ बोलो ना। जबरदस्ती कुछ नहीं है, मुझे देखा साहब, यही सच्चाई है। पुलिस की धमकी दे रहे थे वो, दूसरी जगह शादी। साहब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। अनंत, यस सर। उस इलाके के इंस्पेक्टर से कह दो अमजद को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। आज चूड़ी बाजार की तीसरी गली है। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जनाब, आपका एहसान मैं नहीं भूलूंगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो चलो चलो, शुक्रिया, चलते हैं। चलो नागपुर नहीं, न्यूजीलैंड। गंगा, हाँ? गंगा, यहाँ का गंगा शूटिंग के लिए उठी गई है। उठी गई है? हाँ? अरे अरे रुको, अरे जा रहा हूँ, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था, मुझे फिल्मों से बेहद लगाव है। स्क्रीन पर खुद को
देखना चाहती थी, कुछ भी हो बड़ी हीरोइन बनना चाहती थी, और फिर मेरी माँ भी मुझे, लेकिन मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। मैंने फिल्में बनानी छोड़ दी है, छोड़ दो। ऐसा क्यों जनाब? क्या कहूँ मैं, सारे बाबा लोगों को पेशगी दे दी है। एक बाबा एक्शन फिल्म बनाने को कह रहा है, दूसरा फैशन फिल्म, तीसरा रोमांस में पागल है, चौथे को रिमेक करनी है। हिंदी डायरेक्टर नहीं चाहिए, हिंदी कहानी नहीं चाहिए। एक और बाबा है, डेट देगा या नहीं देगा मालूम नहीं, एकदम पागल जैसा हो गया। 40 प्रोड्यूसर्स को बोलता अगली फिल्म आपकी, मैं 41वां हूँ, जहन्नुम में जाए, मुझे फिल्म नहीं करनी, मुझे नहीं करनी, मुझे जाने दो यहाँ से। इतनी तकलीफें झेल कर नहीं बनानी मुझे, किसके लिए बनानी? खामोश डालेंगे। कौन है? अरे कौन साहब? साहब प्रोड्यूसर साहब, रघुराम जी। अरे राम बाबू, हे सुरेश, अरे क्या बोल रहे हो सब के सब? तुम लोग जाइए, जाइए 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 जाइए। कुछ नहीं फोन कर रहे। ऐसा ही साहब, 170 फिल्में साहब, माफ कीजिएगा, हमारे प्रोड्यूसर साहब रघुराम जी को किसी ने अगवा कर लिया साहब। बाप रे बाप, बम फट रहे साहब, आप जल्दी आइए साहब। नेक्स्ट लाइट है, दहशत गर्द है, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। साहब कमरे के अंदर धमाका हो रहा है साहब, जल्दी आइए। मेरे लिए, अपनों के लिए, अपने खानदान के लिए, 46 फ्रेम वंदे मातरम, 48 फ्रेम वंदे मातरम, अपने मुल्क के लोगों के लिए, 60-30 फ्रेम वंदे मातरम, मैं अपनी जान भी दे दूंगा, 50-100 फ्रेम ग्राफिक्स वंदे मातरम, स्लोली स्लोली वंदे मातरम, कहो कहो, हाँ बहुत बढ़िया, क्या बात है, स्लो और स्लोली, सर फ्रेम इज कमिंग टू द फेस, जवान को आंसू की श्रद्धांजलि देते हुए सारे देवतागण फूलों की बारिश कर रहे हैं सर। स्लोली क्रेन डाउन होता है सर, एंड टाइटल्स शुरू होते हैं, रोलिंग टाइटल्स, उन टाइटल्स के ऊपर जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उस माँ से भी महान ये मातृभूमि, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वंदे मातरम डी एंड सर। ए चलो उठ, चलो उठ। सर कैसा लगा? सर बताइए सर, कैसा लगा? पहले हाथों खोलो, आंसू पोछो, खोलो 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 खोलो, क्या करते सर, और बेचारा नहीं बचा था, इसलिए सब किया। बम्बई, इतनी अच्छी कहानी लेकर कहां घूम रहे थे तुम लोग? सर मुझे कोई पावर नहीं। शुक्रिया सर, तुम मेरे हीरो हो और तुम मेरे डायरेक्टर हो। शुक्रिया, मैं फिल्म बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। अरे भाभी, मैं हीरो बन गया, ये डायरेक्टर बन गया। अरे आइए बैठिए साहब, आइए, ये लो साहब मिठाई खाओ। क्या हुआ साहब? अच्छा कैप्टन, कैप्टन साहब, डोंट टच, बैक, गो बैक। साहब हमें कैप्टन साहब को देखना है। हे, क्या देखेगा, क्या देखेगा? पकड़ कर ले गए इन्हें वो कमजर्फ, जंगी कैदी होने के बावजूद इन्हें इतनी यात्राएं दी हमारी आर्मी के राज जानने के लिए, आंखें निकाल दी, इनकी जबान काट दी, और आखिर में गुप्तांग भी। अरे ओ पाकिस्तानी कायरो, अगर एक ही पे आपकी पैदाइश हो तो हमारे सामने आकर जंग लड़ो, 5 घंटे, सिर्फ 5 घंटे,
खाक कर देंगे। अब तक सिर्फ अमन की बात कर रहे थे। एक मर्तबा अगर हमने जंग शुरू कर दी तो इंडियन आर्मी की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसलिए तो मैं पहले से ही कह रहा हूँ, ये मोहब्बत का चक्कर मेरी समझ में नहीं आता। क्या कह रहे हो, होश में तो हो? सब कुछ हो जाने के बाद ऐसी बातें? अरे क्या सब कुछ हो गया, क्या होने दिया तुमने? कितनी कोशिश की मैंने, हर मर्तबा यही कहती रही शादी के बाद जो होना है वो हो गया होता तो अच्छा ही होता। तुम्हारे पिताजी से बात करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस तो होता मेरे पास। शट अप, ये मेरा टेंशन है, मैं संभालूंगी। इस जगह से तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। अरे पहले तुम निकलो, मैं 10 मिनट के बाद आऊंगी। हाँ सुनो तो स्वाति, स्वाति जाने का मन नहीं कर रहा। शाम को फिर मुलाकात होगी, जाओ। सुनो ना बदमाश, राजा स्वाति,
कमिश्नर ऑफ पुलिस की बेटी होकर इतनी होशियार हो सकती हो तो मैं तो खुद कमिश्नर हूं, मुझे कितना होना चाहिए। एक साल से तुम दोनों के बीच जो ये मोहब्बत चल रही है, क्या समझती हो कि मुझे खबर नहीं? इसलिए रंगे हाथों पकड़ा है तुमको। सर वो अच्छी पसंद है। डैडी। पुलिस महकमे को जिस पर फक्र है उस राजा को चुन लिया है तुमने, लेकिन मुझे माफ करना राजा, तुम्हें अच्छी ट्रेनिंग तो दे दी, अच्छी बीवी नहीं दे पा रहा हूं मैं। डैडी। 25 सालों से झेल रहा हूं ये आफत। देखते नहीं। अब तुम झेलो। ऑल द बेस्ट। शैंपेन हमारी शादीशुदा जिंदगी के लिए। ए, रुको रुको रुको। क्या हुआ? जब तुम मुझे मंगलसूत्र पहनाओगे तो वो तुम्हारी याद दिलाता रहेगा, है ना? वैसे ही ये तुम्हें मेरी याद दिलाने के लिए है। चाहे तुम कहीं भी रहो, मैं तुम्हारा हाथ हमेशा पकड़े रखूंगी। लव यू। लव यू टू। लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता। और कपड़े साफ करना, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना। बीवी कोई नौकरानी नहीं होती, ये सब काम गैरों के साथ मैनेज किए जा सकते हैं। बस एक ही मुश्किल है। वो क्या? शाम को दफ्तर से आने के बाद, नहाने के बाद, खाने के बाद, डिनर के बाद और सुबह के नाश्ते के दरमियान जो फासला होता है ना, वो किसी और के साथ मैनेज नहीं कर सकते। स्वाति, शट अप। हेलो, मैं अजय। फौरन बाराबंकी पहुंचो, मसूद यहाँ एक घर में छुपा हुआ है, जल्दी आओ। मसूद? ठीक है, अकेले खतरा मत उठाओ, फोर्स को फोन करो, मैं फौरन पहुंच रहा हूँ। स्वाति तुम घर जाओ प्लीज, आतंकवादी का मामला है, तो तुम्हें भी खतरा है। मैं भी साथ चलूंगी। स्वाति प्लीज, अकेले जाते हो, आर्टिकल छापना है, प्लीज प्लीज प्लीज, वक्त बर्बाद हो रहा है, कहीं मसूद भाग ना जाए। नहीं स्वाति, वहाँ खतरा है, मत जाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हकीकत यह है कि ये मुल्क इन काफिरों का नहीं है, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब का है। तब से अब तक हमारी हुकूमत थी, कुछ गलत किया होगा हमने, इसलिए इन हिंदुस्तानी काफिरों के साए में रहने की अल्लाह ने हमें सजा दी। दोबारा अल्लाह की हुकूमत लानी होगी, हिंदुस्तान को हमें पाकिस्तान बनाना है, इसलिए आप सबको पाकिस्तान भेज रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए। पासपोर्ट तैयार है, जिहाद। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मसूद इसी घर के अंदर है, कवर करो, कम ऑन क्विक। अजय कहाँ हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? पागल हो गया, इसे क्यों लाए? मुझसे क्या पूछ रहे हो? इसी से पूछो। आओ आओ जल्दी, आ जाओ। अजय पकड़ो इन्हें, पकड़ो, आजा, तुम चलो मेरे साथ। क्या कर रहे हो? रुको, फास्ट, कम ऑन, नीचे झुको। हाँ, सॉकेट लेके आओ। स्वाति तुम ठीक हो ना? क्या हुआ?
मैं डर गई थी। सॉरी पीछे हो। पकड़ो पकड़ो इसको। जल्दी अस्पताल ले जाओ। कम ऑन सॉरी कम ऑन। अरे फोटो खींच के दो ना प्लीज। रुक जाओ। हे राजा। राजा होशियार। छोड़ दे मसूद भाई को, छोड़ दे। राजा मार दूंगा तेरी बीवी को, अल्लाह की कसम मार दूंगा तेरी बीवी को, समझा? राजा छोड़ दे मसूद भाई को। एक एक को गोली से उड़ा दूंगा। हिंदुस्तानी काफिर की औलाद, मजाक मत समझना। मसूद भाई को छोड़, मार डालूंगा। एक एक को गोली से उड़ा डालूंगा। हिंदुस्तानी काफिर की औलाद, मजाक मत समझना। मसूद भाई को छोड़, नहीं तो तेरी बीवी को मार दूंगा। क्या कर रहा है? मार दूंगा तेरी बीवी को। पागल हो गया क्या? सौदी को छोड़ दे, पीछे जाओ। मसूद भाई को छोड़ दे। सब लोग पीछे जाओ। पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। मार दूंगा इसको मैं, पछताओगे तुम लोग। पीछे जाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। सोती तुम ठीक तो हो ना? मसूद भाई, मसूद भाई, मसूद भाई, रुको। चलूंगा नहीं। राजा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सोती आ जाओ, आ जाओ। राजा कितनी गोलियां होती हैं एक पिस्तौल में? ये सब बातें मत करो। सारी गोलियां लगी मुझे। स्वाति प्लीज। दर्द हो रहा है राजा। तुम्हें कुछ नहीं होगा स्वाति। अच्छा सुनो, कुछ नहीं होगा। फोटो अच्छे आए होंगे ना? हाँ अच्छे आए होंगे। फौरन धुलवाओगे ना? हाँ धुलवाऊंगा। जल्दी जल्दी मुझे देखना है। हमारी सुहागत में भी मुझे ऐसे ही उठा कर ले जाओगे ना? शट अप स्वाति, थोड़ी देर चुप रहो प्लीज। रो रहे हो? नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं मरूंगी नहीं। नहीं स्वाति, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें। I love you, I love you, I love you too, I love you, I love you। तुम्हें कुछ नहीं होगा स्वाति, स्वाति कुछ नहीं होगा तुम्हें। स्वाति बिल्कुल ठीक हो जाओगी तुम। स्वाति तुम्हें कुछ नहीं होगा। स्वाति Oh.
स्वाति, अरे जितना मांगेंगे उतना देंगे हम आपको। आप बोलिए तो, अरे देने को तैयार है ना? फिर देरी किस बात की है? आप तो बताइए ना। मैं बाबा नहीं हूँ, मैं बाबा नहीं हूँ, मैं बाबा नहीं हूँ। बराए मेहरबानी बख्श दो। और हाँ, मेरी अगली फिल्म भी रघुराम साहब की होगी, जिन्होंने मुझे एक्टर बनाया, आपके लिए नहीं। मेहरबानी करके मुझे गलत मत समझना और नाराज मत होना। अरे बाबा नाराज मत होना, सुनो छोटे, तुम अंदर जाओ, इनसे मैं बात करता हूँ। अरे साहब, ये साहब हम लोग से नहीं है, आप लोग चलिए। लेकिन आप लोग से कह रहा हूँ, जाइए यहाँ से। बहुत अच्छा, पक्का कामयाब होगा, तू फिक्र मत कर, जाइए यहाँ से, जाइए। अरे सुनो, वो जो शेड्यूल था ना, थोड़ा सा आगे बढ़ गया। क्या छोटे, सब खैरियत है? शॉट रेडी है, चल। डायरेक्टर साहब इंतजार कर रहे हैं, चल। जिंदगी में अकेलापन कितना खलता है मुझे मालूम है। अपनी बीवी को खो दिया, अपनी स्वाति बिटिया को खो दिया। मुझे मालूम है तुम स्वाति को भूल नहीं सकते, लेकिन भूलना होगा। क्या करें, बर्दाश्त करना पड़ता है। कितने दिनों तक अपने आप में घुटकर जीते रहोगे? ए, तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता मैं। मेरे लिए स्वाति और पूजा में कोई फर्क नहीं है। इसके पिता मेरे अच्छे दोस्त हैं, ये भी तुम्हें पसंद करती है, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती भी है। मेरा कहना मानो, पूजा से शादी कर लो, तुम्हें एक हमसफर की जरूरत है। मेरी बात मानो राजा। सलाम साहब। RISHEE कॉफी लीजिए। डैडी। बेटा, ये काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं, इसे पकड़ो। सलाम साहब, आपसे कुछ बात करनी है। सर, पूजा। हेलो, छोटी सी इंफॉर्मेशन। 5 करोड़। 5 करोड़। क्या पूछना है? मौलाना मसूद अजहर कहाँ है? क्या हुआ राजा? अभी आया सर। बहुत बड़ा खतरा है। खतरा क्या है साहब? इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन दिया तो यहां से सीधा दुबई भेज देंगे, पूरे परिवार के साथ। सारा बंदोबस्त हम करेंगे। बस मसूद भाई कहाँ है? हिलना मत। अनंत। तेरी बेबी को मार डालूंगा। Hey!
क्या है साहब? अब नहीं साहब, मस्जिद है साहब, ऐसे जूते पहनकर दाखिल नहीं हो सकते, गलत है। अरे दे दे दे, कहाँ जा रहे हैं साहब? साहब बात समझिए साहब, आप समझ क्यों नहीं रहे? साहब रुकिए, साहब रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते, मेरी बात सुनिए साहब, आपको क्या हो गया साहब? मैं बोल रहा हूँ ना, आप जूते पहनकर अंदर नहीं जा सकते साहब। अंदर नहीं जा सकते साहब, नहीं साहब, अंदर मत जाओ। अरे अरे क्या हो रहा है? अरे साहब मत जाओ साहब, नहीं तो अंदर नहीं जा सकते। अंदर मत जाओ, नहीं बात समझिए, जाओ नहीं जा सकते। सुनो साहब, इसे यहाँ से साहब आप अंदर नहीं जा सकते। पीछे मारो इसे, नहीं जा सकते आप। इसने आने के अंदर सारे मस्जिद में घुसने की कोशिश कर रहा था, जाना गलत है साहब। पीछे हटो, तू पीछे हटो। साहब आप अंदर नहीं जा सकते। साहब साहब आप मेरी बात सुनिए साहब, आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं साहब? आप मेरी बात सुनिए, आप अंदर नहीं जा सकते। साहब साहब आप अंदर नहीं जा सकते साहब, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। साहब साहब आग, अरे आग लग गई, अरे पानी लाओ, पानी लाओ, आग लग गई। अरे सलीम भाई, सलीम भाई पानी लाओ, सलीम भाई जल्दी करो, पानी लाओ, जल्दी करो, जल्दी, आग लग गई। अरे औरतों को पीछे हटाओ, पीछे पीछे, छोड़ कर इतने तेरी तो जल्दी करो। ये ठीक नहीं है साहब, ड्यूटी में है तो क्या जूते पहनकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाएंगे? इसी तरह हम भी मंदिर में जाएं तो क्या आप खामोश रहेंगे साहब? मंदिर पवित्र है तो हमारी मस्जिद पाक नहीं क्यों साहब? जब देखो हम पर शक करते रहते हैं, पागलपन है साहब ये। कोई मुजरिम मंदिर में घुस गया, किसी मुसलमान ने पाकिस्तान में कुछ किया तो आप हमें क्यों परेशान करते? साहब हम मुसलमान ही सही, लेकिन हम भी हिंदुस्तानी हैं, आपकी तरह इंडियन। अरे हट, तुम लोग इंडियंस हो? थू, इस मुल्क में रहकर भी 24 घंटे पाकिस्तान का नाम लेते हो तुम लोग। क्रिकेट में भारत की हार होती है तो मिठाइयां बांटते हो, लादेन अमेरिका में हमला करता है तो तुम लोग दावत करते हो, मदरसों में भारत के खिलाफ तालीम देते हो तुम लोग। तुम्हारे घर, तुम्हारे मदरसे, तुम्हारी मस्जिदें, सब के सब पाकिस्तानी ISI को पनाह देते हैं। तुम इंडियंस हो? थू साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं साहब? ये ISI YSI हमको नहीं पता, क्या हम ऐसे दिखते हैं आपको? साहब हम भी आपकी ही तरह दिन रात मेहनत करके शराफत से जी रहे हैं साहब, लेकिन आप लोगों के बार बार शक करने से कब क्या हो जाए सोच के डर लगता है। अरे ये भी क्या जीना है साहब?
डर डर के जी रहे हैं हम यहाँ पर। इतना ही डर है तो यहाँ रह क्यों रहे हो? चले जाओ पाकिस्तान में। अरे आप कौन है हमें चले जाने को कहने वाले? आपका है, सिर्फ आपका है क्या ये मुल्क? अरे हम भी यही के हैं, पाकिस्तान हमारा नहीं है। हम भी आपकी तरह यही पैदा हुए, आपकी तरह यही पले हैं हम। आप लोगों की तरह यही की मिट्टी में मिल जाएंगे। हमारा भी है ये मुल्क, कैसे अलग कर सकते हैं हमें? एतबार क्यों नहीं करते? एतबार किया, इसीलिए जो दुनिया में कहीं नहीं है वो भारत में है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई का हमने, वही 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 गलती हुई हमसे। इसी एतबार की वजह से मुंबई में धमाके हुए, कश्मीर में मंदिर पे हमले हुए। इतना होने के बावजूद उसी एतबार की वजह से लाहौर तक बस भेजा हमने, और तुम लोगों ने कारगिल में धोखा दिया, पीठ में छुरा भोंका। या अल्लाह, गलत बोल रहे साहब। उस धोखे से हमारा क्या वास्ता? हम हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी फौजी नहीं। वहाँ धोखा दिया पाकिस्तानी बदमाशों ने साहब, उन कमीनों ने किया ये सब। हम वो नहीं है साहब। साहब नमाज पढ़ने वाले सभी पाकिस्तानी नहीं है साहब। इस्लाम का मतलब पाकिस्तानी कतई नहीं है। दुनिया के कई मुल्कों में इस्लाम है साहब, इसमें पाकिस्तान सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है साहब। साहब मुल्क और खुदा दोनों में आखिर कैसा रिश्ता? वो भी मुसलमान है और हम भी मुसलमान है बस, लेकिन वो पाकिस्तानी है साहब, हम हैं हिंदुस्तानी। सदियों से हम यहाँ रह रहे हैं और यही मरेंगे। ए, 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 तुम लोग यहाँ नहीं रह रहे, हमारी रहम की वजह से यहाँ पर हो। तुम्हारे पैगंबर यहाँ के नहीं है, मजहब यहाँ का नहीं है, तुम्हारे अल्लाह के इस्लाम से जुड़ा कोई धर्म स्थल हमारे भारत में नहीं है, कैसे कह सकते हो इसे अपना मुल्क? हमारी माँ को चीर कर अपने लिए पाकिस्तान बनाने के बाद भी तुम लोगों पर रहम करके हमने तुम्हें यहाँ रहने दिया, याद रखना इसे। रहम खाकर रहने देने की क्या बात है? हम भीख नहीं मांग रहे, मरते दम तक हम यही रहेंगे। यह हमारी भी माँ है, यह मुल्क हमारा है और हमेशा रहेगा। जय श्री राम। 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 अपना नाम कहाँ है यार? दिखा नहीं दे रहा अपना नाम। जो जय श्री राम। हाय तुम कहाँ जा रही हो? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? आउटडोर कुल्लू मनाली वाया दिल्ली। तुम कहाँ जा रही हो? दिल्ली फ्रेंड की शादी में। बहुत खूबसूरत लग रही हो, छोटे के साथ हीरोइन क्यों नहीं बन जाती हो तुम? आजकल कैसी कैसी लड़कियां हीरोइन बन रही हैं। अजर भाई, अजर भाई, क्या हाल चाल है? आओ आओ बैठो बैठो। अरे बैठो, हमारे कहीं जा रही है किसी को छोड़ने के लिए? अजर भाई निकलने से पहले हमने बताया नहीं कि हम लोग आउटडोर पे जा रहे हैं। अरे हमारे छोटा भाई अजर भाई। हेलो, अब फोन भागो 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 अहमदाबाद एक्सप्रेस की कंपार्टमेंट को ब्लास्ट कर दिया साहब। अजहर खान के गैंग ने दूसरे कंपार्टमेंट पे कब्जा करके मुसाफिर को हॉस्टल बना लिया है साहब। बहुत से लोग मारे गए हैं साहब, हालत बेहद खराब है साहब। धमाका मैंने ही किया है, मैं हूँ अजहर खान। ऐ पुलिस, ये सिर्फ एक नमूना है। मसूद भाई और मेरे भाई अमजद को लेकर 20 मिनट के अंदर तुम यहाँ स्टेशन पहुंचो हेलीकॉप्टर के साथ। नहीं तो अगर हमने दूसरा धमाका किया तो इस स्टेशन के आसपास 5 किलोमीटर तक का इलाका पूरा स्मैश। तुम अजहर नाम से किसी को जानते हो? अजहर? अब अजहर तो मेरा भाई है साहब, मेरा छोटा भाई। क्या हुआ अजहर को साहब? क्या अब? अरे अब अजहर को टीवी में क्यों दिखा रहे साहब? साहब कौन है साहब? हाँ हेलो भाईजान, मैं अजहर। भाईजान आप ठीक है ना?
अरे अजहर भाईजान, आप डरिए मत, आप मसूद भाई के साथ इधर आ जाइए। अरे ये सब क्या हो रहा है साहब? मुझे आप ये क्या कर रहे हैं साहब? छोड़िए मुझे सर, मैं छोड़ूंगा आपको। नहीं मालूम सर, ये सारे मिले हुए हैं। चुप हो जाओ, मुझे सब पता है, मैं भी उसे खत्म करना चाहता हूँ, पर क्या करें, हजारों लोगों की जान खतरे में है। मसूद को छोड़ना होगा। नहीं सर, नहीं, ये मेरा ऑर्डर है, सरकारी ऑर्डर। चलो चल, अरे चल, मूव मूव, ऐसे मूव। रुक जाओ, नकाब हटाओ। हटा दो। सबको बाहर भेज दो, जल्दी सब बाहर चले जाओ। कम ऑन, मूव मूव। बात तो सुन, ये जो तू कर रहा है ये जायज नहीं है। बकवास मत करो, वक्त नहीं हमारे पास, भाई को ले आओ, मसूद भाई को ले आओ, भाई को जल्दी ले आओ। कौन भाई? भाई किसको कह रहा है तू? अरे इसको, अरे ये कमीना पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी मुल्क का दुश्मन है ये। मेरे भाई, मुल्क से गद्दारी मत कर, छोड़ दे पूजा को, वो हमारी बहन है, छोड़ दे, छोड़ दे अपनी बहन। अरे ये बहन नहीं, काफिर है, हिंदुस्तानी काफिर, काफिर की औलाद है। भाई को ले आओ, हम पाकिस्तान जाएंगे, हमारा पाकिस्तान। चुप हो जाओ, पाकिस्तान हमारा नहीं है, हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। अरे यही हमारा मादरे वतन है, यही परवरिश हुई, यही हमारी माँ है, शान है हमारी। भाई हम यही पैदा हुए, यही मरना है। बोल, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद। छोड़ दे ये पागलपन। पागलपन नहीं है, जिहाद है, जिहाद। ए, बेवकूफ की तरह देख क्या रहा है तू? छोड़ दे दोनों को, नहीं तो लड़की को उड़ा दूंगा। नहीं साहब, मुझे नहीं जाना है साहब, मुझे मत भेजो साहब, साहब मैं नहीं जाऊंगा। ए यजर, ये सब पागलपन छोड़ दे, छोड़ दे साहब, मैं नहीं जाऊंगा साहब, मैं नहीं जाना चाहता साहब, मुझे मत भेजो साहब, मुझे पाकिस्तान नहीं जाना है, मुझे मत भेजो साहब, मुझे छोड़ दो साहब। आ 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
मुझे पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, छोड़ना। कहाँ जा रहा है तू? कहाँ जा रहा है तू? अजहर मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अल्लाहु अकबर। बजरंग बले पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मर कमीने पाकिस्तानी, मर कमीने। मर गया कमीना, छोड़ो मत इसको, खत्म कर दो जनाब, इसको खत्म कर दो जनाब, मार दो इसको जनाब, खत्म कर दो जल्दी, छोड़ो मत इसको जनाब, छोड़ो मत इसको, खत्म कर दो, जान से मार दो, क्या रहे हो, उड़ा दो इसको, छोड़ो नहीं। अगर ये छूट गया तो बहुत बर्बादी करेगा, छोड़ो मत इसको जनाब, छोड़ो मत जनाब, जान से मार दो इसे, गोलियां उतार दो इसके भेजे में, इसे खत्म कर दो जनाब। भाईजान, भाईजान कुछ करो, भाईजान, भाईजान मैं जीना चाहता हूँ, भाईजान, भाईजान कुछ करो, भाईजान, भाईजान गलती हो गई, भाईजान, भाईजान मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, भाईजान कुछ करो ना, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, जिंदा रहना चाहता हूँ, भाईजान मुझसे गलती हो गई, भाईजान कर दो बोल के इस गद्दार को, ये मेरा भाई नहीं है, गद्दार है कमीना गद्दार, मार दो इसे, वंदे मातरम, 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 वंदे नहीं साहब, ठीक किया आपने, मरना ही था इस गद्दार को। भाई, पूजा, ओह नो, अमजद, छोटे, हाँ जनाब, सुनो, बॉम्ब डिफ्यूज नहीं हुआ है, कभी भी फट सकता है, तुम सबको बाहर भेजो, कम ऑन, क्विक, चलो चलो बाहर, जल्दी, चलो जल्दी, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी, बाहर चलो, पूजा हिलना मत। हाँ सर, ब्लैक आरडीएक्स बॉक्स में बैटरी कनेक्टेड है, हाँ सेलफोन बैटरी पहले से ही डिस्कनेक्ट कर दिया है, सिग्नल सेल अभी ऑन है सर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सर, खोल रहा हूँ सर, ओके पूजा, अल्लाह 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 अल्लाह, ओके सर डिस्कनेक्ट कर दिया सर, शुक्रिया सर, सर
बहुत बहुत शुक्रिया सर। यस सर, मैं मिलूंगा आपसे। इट्स ओके पूजा, इट्स ओके। अमजद भाई, शाहरुख खान, माहौल सुपेता को जरा संभल के मक्का ले जाना। ठीक है ठीक है। अपने अल्लाह को मेरा बहुत बहुत सलाम कहना, मेरे लिए भी कुछ। अरे तेरे लिए क्या साहब, सलाम साहब। कब से अम्मी को मक्का ले जाना चाहता था, अब नसीब हुआ। नहीं अम्मा, बहुत शुक्रिया साहब, आप रुखसत करने आए, ये हमारी किस्मत है साहब। शुक्रिया साहब। साहब मेरी अम्मी है साहब, अम्मी कैप्टन साहब के दोस्त है राजा साहब, बहुत बड़े पुलिस अफसर है अम्मी। है जुबेदा, शुक्रिया बोल। शुक्रिया साहब। आपके बेटे की मौत की वजह में नहीं, नहीं। मुझे, अरे ये क्या कर रहे हो साहब, वो मेरा भाई नहीं था साहब। क्यों अम्मी, वो गद्दार था गद्दार। अरे भाई तो ये है अमजद भाई, मेरी जान शाहरुख खान। क्यों साहब, आप भी तो हमारे भाई हैं। हाँ, क्यों अम्मी, आपकी भी माँ है, दुआ दो अम्मी। बेटा अल्लाह जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। क्या रे हीरो, अमजद भाई, अल्लाहु अकबर, बजरंगबली।